हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर टू फिल्म्स ने। मेरा नाम है महेश। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक का। देखो, ये बुक है द वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सेलर बुक इन द वर्ल्ड, और ओवर द 30 मिलियन इसके कॉपीज सोल्ड आउट हो चुके हैं, और 51 भाषा में इस बुक का ट्रांसलेशन हो चुका है। तो आप अपनी भाषा में भी इसको अवेलेबल कर सकते। बिफोर द रिव्यू स्टार्ट, आई वॉन्ट टू वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ रीडिंग और द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। ग्रेट रीडर्स मेक ग्रेट राइटर्स एंड ग्रेट राइटर्स डू द मैजिक विद द सोसाइटी। मीन्स अभी हम सब फंस चुके हैं एक मायाजाल में जिसका नाम है सोशल मीडिया। व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मायाजाल है। इस पर एक एवरेज पर्सन, हमारे जैसे एक एवरेज पर्सन इस पर 6 से 6.5 घंटे बिता रहा है। गाइस, मोबाइल स्क्रीन पर 6 से 6.5 घंटे दिन का बिता रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक वी शुड पुट अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम एंड आई थिंक हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। रीड बुक्स, दैट्स इट। रीडिंग बुक इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही फ्रेश कराएगी पूरे दिन में। द मोर यू रीड द मोर यू फील फ्रेश एंड द मोर यू विल फील मोटिवेटेड। तो सिर्फ दिन का 10 पेज पढ़ना है गाइस, सिर्फ 10 पेज, एंड आपको देखना है कि क्या आपके जीवन में बदलाव होता है। सिर्फ 10 पेज पढ़ के देखो, सिर्फ आधा घंटा देना है पूरे 24 घंटों में से, आपके पूरे बिजी शेड्यूल में से सिर्फ आधा घंटा देना है, एंड देन यू विल सी, यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक। आई हैव एक्सपीरियंस इट, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। ओके, मैंने इसको फील किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही एक बुक पढ़ा मैंने रिसेंटली, 2-3 बुक पढ़े हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, और अभी एक न्यू बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ, डू विक्सिट बाय अंकुर वारिको। ओके, तो इसका भी रिव्यू मैं ज़रूर जल्दी लेकर आऊँगा। तो बात करते हैं हम रिच डैड पुअर डैड। बेसिकली द बुक इज अबाउट व्हाट रिच पीपल टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। ओके, तो पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो कि गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं सिखाता, ये हमें इस बुक में। रॉबर्ट कियोसाकी के जो पिता है वो एक पुअर डैड है, वो 9 to 5 जॉब करते हैं और एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी हर महीने उनके पास आती है, एक मिडिल क्लास घर से वो रहते हैं। और जो इस कहानी के रिच डैड है वो रहते हैं कि उनके दोस्त के फादर रहते हैं, वो एक वेल सेटल बिजनेसमैन है। तो पहले से ही कियोसाकी अपने दोनों फादर के साथ पले बड़े हुए हैं, तो रिच डैड ने उनको क्या सिखाया यही हमको इस वीडियो में देखना। द फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट इन एसेट एंड नॉट इन लाइबिलिटीज। ओके, तो जो रिच डैड है वो कहते हैं कि इन्वेस्ट करो एसेट्स में। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है? एसेट मतलब जिस चीज़ से आपको पैसा आता है, और लाइबिलिटीज मतलब जिस चीज़ का आपको पैसा नहीं आता, या तो वो वही रहता है नहीं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो है लाइबिलिटी। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि एक कार है, 50 लाख की कार है, और एक फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट। ओके, तो दोनों में क्या, अगर हम फ्लैट को रेंट पर देंगे तो महीना शुरू आना हो जाएगा उस फ्लैट का, लेकिन कार को महीने का डीजल का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा चालू रहेगा। ओके, तो इसमें हो गया फ्लैट, ये हो गया एसेट्स, और कार हो गई लाइबिलिटीज। ओके, तो इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन। द सेकंड पॉइंट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, तो हम सभी लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में कैसे ग्रो करना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, कैसे कमाना है, वो सब हमको पता है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि मतलब GST हो गया, टैक्स हो गया, बैंक के कुछ रूल्स रेगुलेशन, इसके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज कम है। मतलब पैसा सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उसको ग्रो करना, उसको ठीक तरीके से इन्वेस्ट करना, ये पूरी चीज़ें इसमें बताई गई। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अभी
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट। तीसरा पॉइंट है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब सीखने के लिए काम करो, पैसा के लिए। चौथा पॉइंट है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। इस बुक में पूरा डिटेल में लिखा है। मतलब अगर आपका एक फिक्स है, आपको जो करना है पता है, तो बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसको आपको ओवरकम करना है। उसकी चिंता छोड़ दो, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो इसके बारे में। पांचवा पॉइंट है कि डोंट वर्क फॉर मनी, मनी विल वर्क फॉर यू। रीडर बोलते हैं कि पैसे पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैसे को ही काम पे लगाओ। तो ये कैसे हम अपने पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हैं, तो इस पॉइंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको बुक ज़रूरी है, बुक पढ़ना। ये थी कुछ छोटे से पॉइंट्स इस बुक के बारे में, एक छोटा सा रिव्यू मेरी तरफ से। और यह एक फाइनेंशियल बुक है, फाइनेंस से रिलेटेड इसमें कुछ वर्ड्स वगैरह फ्रेजेस है। तो आप भी इस बुक को अगर थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको कुछ न्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, न्यू पॉइंट्स डिस्कवर करोगे। तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर अपने क्लोज फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड है, अपने जो कलीग्स हैं उनको शेयर करें, ताकि उन्हें द पावर ऑफ रीडिंग और हाउ टू ग्रो योर मनी, हाउ टू सेव योर मनी, इसके बारे में कुछ पता चले। ये बुक फाइनेंशियल बारे में बहुत ही अच्छी बुक है, तो ज़रूर पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।